मैं अरुण कुमार शाही डिजिटल न्यूज 20 से चीफ रिपोर्टर NICU। 11-12 वहाँ AC लगे हैं, एक भी नहीं चल रहा है। बच्चे की संख्या लगभग 40 से ऊपर है। सुबह से अभी तक 6 बच्चे की जान भी जा चुकी है। आप यहाँ के उपाधीक्षक भी हैं, शिशु विभाग अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये बच्चे का जो मौत हुई है सुबह देखना पड़ेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ। जैसे बहुत बच्चे बर्थ एस्पेक्ट्रम में आते हैं, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आते हैं, देखेंगे क्यों मौत हुई। लेकिन ये भी बात है, मुझे संज्ञान में आया है कि कुछ AC खराब है। 3 दिन पहले भी मैंने फोन किया था जो यहाँ AC बनाते हैं, वो खासकर इलेक्ट्रीशियन जो हमारे दिनेश जी, उनको बोला गया था, तो उन्होंने भेज के 2-3 AC को बनवाया भी था फिर। लेकिन ये बात सही, कल भी मैं गया था तो AC का प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा, तो फिर भी मैंने उनको कहा है। प्लस वहाँ की सिस्टर इंचार्ज भी लिखित रूप से कंप्लेन भी दर्ज करा चुकी है कि AC को तुरंत ठीक कराया जाए। तो ये हम लोग बार बार कह भी रहे हैं, वर्बली भी ऑर्डर हम दिए हुए हैं। फिर मैं सुप्रेंट सर से बात करके देखता हूँ कहाँ से जल्दी बन जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी हीट वेव का समय है जिसमें कि AC का प्रॉपर वर्क होना बहुत जरूरी है। इससे भी बच्चे पर भी गंभीर खतरा हो सकता है, इसमें कोई मतलब। लेकिन बच्चे की मौत के अदर कॉजेज भी होते हैं जिसको हम लोग ने वो वेरीफाई करते रहते हैं मीटिंग में कि क्या हुआ नहीं हुआ। और जहाँ तक अब AC का बात है, मैं इस पर देखता हूँ कहाँ तक जल्दी करवा सकता। अभी तो टोटल AC सर काम करना बंद पाया जा रहा है। एक AC तो वर्क कर रही है, कूलिंग नहीं कर रहा होगा, जो कि जैसे अंदाज है। क्या कि मार्च महीने में भी एक बार सफाई किया गया था पूरे AC का, उसके बाद फिर कुछ बीच बीच में खराब होते रहते हैं, तो बीच में फोन जाता है तो वो कर देते हैं। इधर 2-3 दिन से लगता है वो मिस्त्री क्यों नहीं आ रहे हैं, उनसे मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ पाते हैं। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।